यूपी में एमएलसी की 27 सीटों के लिए मतदान संपन्न, शाम 4 बजे तक हुई वोटिंग। 58 जिलों के 739 मतदान केंद्रों पर 98.11% वोट डाले गए। एमएलसी चुनाव में दौड़ते हुए वोट डालने पहुंचे सांसद रवि किशन। मतदान के बाद रवि किशन को पकड़नी थी फ्लाइट, सांसद ने कहा कि योगी के राज में गरीबों को नहीं आने दी जाएगी दिक्कत। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट का बदला कवर फोटो, लिखा है तैयार हम। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान, कहा मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा इंसाफ, बोले योगी सरकार के काम से नहीं हूं संतुष्ट। एमएलसी चुनाव में मतदान करने पहुंचे थे सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क। स्वार टांडा से विधायक अब्दुल्ला आजम ने भी किया मतदान। विधानसभा चुनाव नतीजों का जिक्र करते हुए कहा तब भी बदले गए थे नतीजे, परिणाम आने पर पता चलेगा किसकी होगी जीत। बोले आजम खान कैसे डालते वोट, भू माफियाओं पर हो रही बुलडोजर की कार्रवाई पर भी बोले कोर्ट को लेना चाहिए संज्ञान। एमएलसी चुनाव में वोट डालने पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि भाजपा एमएलसी की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी, अखिलेश और राहुल पर जमकर निशाना साधा। रायबरेली से सपा जिलाध्यक्ष और एमएलसी प्रत्याशी वीरेंद्र यादव ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। राही ब्लॉक में वोट डालने के बाद कहा मजबूत स्थिति में सपा, इसीलिए वोटर्स को डरा धमका कर किया जा रहा है प्रताड़ित। कई वोटर्स को बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया, कहा निर्वाचन आयोग नहीं कर रहा कार्रवाई। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने एमएलसी चुनाव के लिए किया मतदान, कहा जनता की वजह से मिला एमएलसी चुनाव में वोट डालने का मौका। महिला ने स्मृति ईरानी के लिए खाना बनाया। भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला का कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर पलटवार, कहा परीक्षा में फेल होने के बाद जैसे छात्र बहाना बनाते हैं वैसे ही राहुल कर रहे हैं बहानेबाजी, कहा दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने ही हार की समीक्षा करें। राहुल गांधी का मायावती पर बड़ा बयान, कहा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा, हमने मायावती को सीएम बनने का न्योता दिया था लेकिन मायावती जी ने बात तक नहीं की। सपा विधायक शहजील इस्लाम की फिर बढ़ी मुश्किलें, बीडीए ने शहजील के बारात घर फॉर्म हाउस मार्केट को भेजा नोटिस। नोटिस के जरिए प्राधिकरण ने सभी प्रतिष्ठानों का नक्शा मांगा। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा से पूछताछ करेगी एनआईए की 3 सदस्यीय टीम। एनआईए को दी जा सकती है हमले की जांच, पूछताछ की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेगी एनआईए। एमएलसी चुनाव में सीएम योगी ने गोरखपुर में किया मतदान, नगर निगम बूथ पर डाला सबसे पहला वोट। गोरखपुर में भाजपा के सीपी चंद और सपा से रजनीश यादव के बीच है मुकाबला।